बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन की मां 94 साल की थी। उन्होंने कल अपनी आखिरी सांस ली। बोमन ईरानी ने अपनी मां के निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बोमन ईरानी ने बताया कि उनकी मां ने नींद में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। मां ने इस दुनिया को शांति से अलविदा कह दिया। वो 94 साल की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र से ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया था। वो कई मजाकिया कहानियों से भरी थी और जिंदा दिल थी। जब भी वो मुझे फिल्मों के लिए भेजती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कंपाउंड किड्स मेरे साथ रहें। वहीं वो हमेशा कहती थी पॉपकॉर्न मत भूलना। उनको अपना भोजन और गाने पसंद थे। इसके साथ ही तेज़ी से विकिपीडिया और IMDB को तुरंत फैक्ट चेक कर सकती थी। बोमन ने लिखा, माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक अभिनेता इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम एक अभिनेता हो ताकि तुम लोगों को मुस्कान दे सको, लोगों को खुशी दे सको। आखिरी रात उन्होंने मलाई कुल्फी और आम मांगे थे। वो चाहती थी चांद और तारे भी मांग सकती थी। वो हमेशा एक स्टार थी और हमेशा रहेंगी।